गोवर्धन के कस्बा अड़िंग में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते मेन बाजार में झूलते विद्युत तार कस्बा निवासी मोहित कुमार दुकान के हाथ और पैर में विद्युत तार टूटकर गिरने से गंभीर रूप से वह घायल हो गया, जिसको लेकर ग्रामीण में रोष व्याप्त हो गया। कस्बा अड़िंग जर्जर और झूलते तार लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लगातार शिकायत के बावजूद भी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती है, जबकि जर्जर और झूलते विद्युत तारों की चपेट में आकर गांव के कई लोग एवं पशु भी मर चुके हैं। घायल दुकानदार को देख बाजार के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। दुकानदार ने शासन और प्रशासन से गांव अड़िंग में जर्जर हो रही लाइनों को सही कराने की मांग की है। मोहित अग्रवाल, क्या कुछ घटना हुई है बता रहे थे आप? घटना ये हुई है, हम अपनी शॉप खोलकर बैठे हुए थे, टूटा हुआ था तार, उसमें जोड़ा हुआ टूटते थे। आप इसकी शिकायत बिजली विभाग को नहीं करते? बिजली विभाग को शिकायत नहीं करते क्या? बिजली विभाग को ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेरा नाम दिनेश चंद है। कहाँ के रहने वाले हैं? अड़िंग के। अभी जो कोई घटना हुई बता रहे हैं, तार जस्ट बगल में दुकान पे हूँ, अभी आज तार टूटा, ये बच्चा मुश्किल से बचा है और मैं बाहर बैठा हुआ, वो तो मैं एकदम झटका से भीतर चला गया। ये आए दिन, हर तीसरे दिन की कहानी है ये। तो क्या क्यों टूट गया तार, क्या समस्या? अरे कदम कदम पे जॉइंट लगा रखे हैं, ढीले तार छोड़ रखे हैं, ना कोई बिजली वाला टाइट करता है, ना कुछ करता है इसको, न कोई देखभाल है इसको। लेकर विद्युत कर्मचारियों से कोई कभी शिकायत की है? विद्युत कर्मचारी तो कई बार वैसा कह रही है मानते, पर एक भी बार कोई सुनता नहीं है, जब मंत्री साहब भी आए थे उस समय कोई भी सुनाई नहीं होती है। मार्केट पूरे गांव के अंदर जंजर बना हुआ है।